this is not just an eco-friendly Rakhi, but this is farmer-friendly. So ideally, and this concept is by Nagpur Bijotso, so we have a Bij in between, and by the Gramart project, and they have designed the Rakhi. Okay, so what the process behind this is that जो राखी हम लगाते हैं अपना जो कॉटन हम लगाते हैं ओके आइडियली दे ऑल आर जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन तो टू स्टॉप दैट हम लोग ट्राई कर रहे हैं टू एनकरेज द फार्मर्स दैट आर ग्रोइंग इंडियन वराइटीज ऑफ कॉटन लाइक ए के ए सेवन एंड आनंद वन सो नॉर्मली दिस कॉटन इज ग्रोन इन अकोला नांदेड़ एंड वर्धा एंड फ्रॉम दैट places the cotton is got to Wardha where in the pre-spinning unit the yarn is made out of it the thread is made out of it and in Wardha there is a unit where it has been dyed wo dye hota hai usme color lagta hai chadta hai and then everything all these dyed yarns are taken to villages which are one are away from the Nagpur and those villages are Parda Singha, Kheri, Kelwad and Santur. So there is one girl who is 19-year-old Nutan Divedi and she is the alone female who is training 55 ladies from different houses in these four villages and wo sikha rahi hai sabko अलग अलग डिज़ाइंस बनाने के लिए वो सबको बना के सबसे बना के ले रही है एंड दिस पर्टिकुलर राखी इज ए इंडिजिनस इज मेड ऑफ इंडिजिनस कॉटन सो आइडियली हम लोग भूल गए हैं कि यू नो जो सेंस एक हम लोग वी डोंट सेंस ए कॉटन वराइटी विच इज़ आर्ट ऑफ आर ट्रेडिशन सो ये जो हम लोग भूल गए हैं this Rakhi, you know, will get back those memories to you, something that's our tradition. And again, it will support the villagers which are, you know, doing all these activities, the homemakers who are, you know, into knitting this Rakhis, then the farmers who are growing this. So now this year, this project has been going for last 3 years and the change that has come up after 3 years is that jo Parda Singha karke jo village hai jahan pe ye knitting hota hai us gaon mein abhi tak koi bhi indigenous cotton nahi grow kar raha tha to after this project and after this you know this all sensitivity thing there are three farmers that is Ganesh Dhoke Premraj Dhoke and Purushottam Bhatad ye tinon ne is saal इंडिजिनस कॉटन लगाया है तो ये साल हमको उसी गांव से कॉटन मिल जाएगा वहीं पे हम लोग प्री स्पिनिंग और डाइंग करेंगे और वहीं पे राखी बन जाएगा सो दिस इज़ यू नो एनकरेजिंग पीपल टू ग्रो समथिंग दैट्स आर ट्रेडिशन तो बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कन्वर्सेशन में राखी का स्पेशल डे है तो आपको किस तरह से राखी आप सेलिब्रेट करते हैं कितना पसंद है आपको मुझे लगता नहीं आप सुबह जल्दी उठाया जाता होगा उठिए नहाइए राखी का डे है नहीं मेरे को अगर काम पे जाना है या जिम जाना है तो मैं जल्दी उठ जाता हूँ पर उसके अलावा या इट्स अ टास्क ठीक है मैं तो रोज़ जल्दी उठा लेती हूँ स्कूल अगर है जनरली हॉलीडे रहता है लेकिन अगर कहीं जाना है तो आई मेक श्योर दैट ही इज़ अप बाय बट वी वेट फॉर इट वेदर इट्स 8 or 8:30 और 9 फॉर होम ऑल द सिस्टर्स अच्छा ओके अच्छा सिस्टर्स वर्सेस ब्रदर्स ऐसे ओके जैसे आपकी बहुत बड़ी बिग फैमिली है तो राखी में तो लाइन लग जाती होगी पूरे हाथों में सब सिस्टर आती है सबके लेके गिफ्ट सोच के रखना पड़ता है या पहले से डिसाइड होता है कि पैसे दे दूंगा गिफ्ट दे दूंगा अभी उसके गिफ्ट के लिए एक दो बार हुआ है कि गिफ्ट दिया है खुश भी नहीं हुए बिकॉज ये हमको नहीं चाहिए था तो बेस्ट है कि एनवलप भाई ये आपका है आपको इससे जो खरीदना है आप खरीद लो ना इट्स बेटर कभी कभी क्या होता है कुछ कुछ बड़ा खरीदना है तो आप पूरा किटी जमा करके कुछ ले सकते हैं सो आई फील दैट वो बेहतर होता है आपको लगता है ब्रदर डे भी होना चाहिए ब्रदर डे भी होना चाहिए हाँ होना तो चाहिए है ना भाई दूज है भाई दूज है तो आप कैसे सेलिब्रेट करते हैं भाई दूज सेम वे ओके पर उस दिन हमें इनको कुछ गिफ्ट देना पड़ता है
और वो 4-5 दिन बाद ही है। नहीं बट भाई दूज इज अ महाराष्ट्रियन ट्रेडिशन राइट? हाँ तो इसलिए आप कह रहे हैं, हमको तो आज तक कुछ मिला ही नहीं है। शादी के मैरिड इनटू अ महाराष्ट्रियन फैमिली इसलिए ये कह रही हैं, लेकिन कुछ ऐसा कुछ मतलब पहली बार ही इको फ्रेंडली राखी बनाई जाए, इको फ्रेंडली गणपति तो हमने सुना ही है, ये कहाँ से आपने सोचा, ये इंस्पिरेशन कहाँ से आई इस तरह का राखी बनाना? ये एक्चुअली क्या हुआ था कि हम लोग ये कुल्लू मनाली गए थे ओके, और वहाँ हम लोग 3 घंटा मेडिटेट कर रहे थे, तो वहाँ पर उनको सपना आया exactly. क्यों मेरे को ये सीन कहाँ से याद आया जो आपने क्वेश्चन पूछा ना, सडनली मुझे खलनायक का सीन याद आ गया, संजू सर का वो याद है कि वहाँ जाना वहाँ जाना वहाँ जाना वहाँ जाके बोलना कि रिमेम्बर वो सीन और जैकी श्रॉफ भड़क जाते, ये क्या तरीका होता है? बढ़िया आप बताएंगे कि ये लेकिन आई थिंक जैसे जैसे हम जो हमें करना चाहिए, और जब हम देखते हैं कि द क्वालिटी ऑफ द एयर हैज बिकम लाइक दैट, यू ऑलवेज फील लाइक यू नो यू नीड टू डू समथिंग टू प्लांट अ ट्री और यू आर टीचिंग योर किड्स टू डू समथिंग, सो वी आर ऑलवेज लुकिंग फॉर ऑप्शन कि आप कैसे हर फेस्टिवल को थोड़ा सा यू नो यू कैन मेक इट इको फ्रेंडली, एंड बहुत ही आसान है ये करना, जैसे कि ये जो राखी है वी जस्ट पुट इट ऑन, वी जस्ट सर्च्ड फॉर इट एंड इट केम टू आवर नॉलेज दैट देयर इज दिस स्मॉल टाउन क्लोज टू नांदेड, 4-5 towns जहाँ पे 4-5 यंग यू नो लोग ये इतना, ही विल टेल यू मोर अबाउट द इनिशिएटिव, आई थिंक यू शुड नो, यू कैन कंटिन्यू। सो बेसिकली ये छोटे से गांव में यू नो पीपल वांट टू प्रमोट कॉटन, सो दे मेड दीज राखीज आउट ऑफ रेशम के धागे विच इज़ मेड फ्रॉम इंडिजिनियस कॉटन दैट इज ग्रोन इन इंडिया, जो भी कॉटन सीड्स आ रहे हैं वो अमेरिका से आ रहे हैं, ऑल ऑफ देम आर जेनेटिकली मॉडिफाइड, दे आर नॉट ऑर्गेनिक, दे आर फुल ऑफ केमिकल्स, सो वी फॉरगॉटन आवर ट्रेडिशंस, वी फॉरगॉटन आवर वैल्यूज, सो दीज पीपल आर ट्राइंग टू प्रमोट दैट, हर एक राखी के ऊपर एक सीड है एंड हाउ दे वोवन इट ब्यूटिफुली इन टू गुड लुकिंग राखीज, सारे जो डाइंग है वो सारी नेचुरल है, सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट कॉज, एंड वेन वी केम अक्रॉस दिस आई थिंक द बेचारों को प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, यू नो वे पीपल, जबकि उन लोग 3 साल से ये कर रहे हैं, and I think it's so important ki if they have a platform where people can know that chote se chote festivals you can go in a eco-friendly way, it's as easy kyunki hum rakhi to khareedte hain dukaan se baantte hain aur phir fir ji ya to aap ye lijiye ya aap kuch it's also connected to a movie like हम देखते हैं कि सांस नहीं ले पाते लोग, तो ये अगर राखी जो पहले फेंक दिए जाते थे अगर हम रास्ते पे भी कहीं लगा दें उसका पौधा बना दें तो इंसान सांस ले सकता है सही से, एनवायरमेंट ब्रीथिंग लाइक ट्री कर्स होते हैं सी, क्या है कि हम लोग ना अभी आज 2017 में हैं जी, तो हम सबको सब चीज़ें फास्ट चाहिए, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, फोटोग्राफ डाला फटाफट लाइक्स आए, नहीं आए तो फिर मूड ऑफ हो जाता है, पहले ऐसा नहीं है कि फ़ोटो खींचेंगे दोस्तों को दिखाएंगे फिर वो रिएक्ट करेंगे अरे ये तो अच्छी फ़ोटो है या बुरी फ़ोटो है या जैसी भी है, तो इसीलिए इवन सोशल सर्विस अगर मैं आपको बहुत ज़्यादा टीडियस दे दूँ तो आप करेंगे नहीं, नॉट बिकॉज आपको करना नहीं है, बिकॉज इतना सारा जद्दोजहद है, सर्वाइवल का प्रॉब्लम है, यू नो पानी का प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, आपको कमाना है ताकि घर वालों को खुश रख सकें, उसके बीच में मैं आपको कहूँ कि समाज को बचाना है, देश को बचाना है, ब्रह्मांड को बचाना है, तो आप बोलोगे भाई पहले मैं घर तो बचा लूँ, तो उसमें दीज आर द ईजी वेज ऑफ कि आप राखी तो बांधेंगे और अगले दिन उसको फेंकेंगे, तो ये छोटे छोटे चीज़ें होती हैं जिससे आप यू नो प्लानट को और देश को बचा सकते हैं, जैसे कि पानी कम यूज़ कीजिए, अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं ज़्यादा टाइम है तो बंद कर दीजिए, ई राखी है, ट्री गणेशाज है, एंड सो दिस इज़ व्हाट वी आर ट्राइंग टू से, तो राखी के दिन है तो हम चाहते हैं कि आप हमें राखी बांध दिए, और Oh.
So this is that seed rakhi. ये 2.5 किलो का हाथ किसी पे भी किसी पे प्रोटेक्शन पहले कितने किलो तो आदमी उठता नहीं उठ जाता अड़पा क्या आइकॉनिक डायलॉग्स थे पहले ये तो ऐसे लग रहा है पता नहीं यू नो वो चुहा के ऐसा नहीं वो क्या करते हैं प्रवाहन चढ़ाते हैं ना जाकी बदलाव तो बहुत देखा होगा पहले से और अभी तक रहा जैकी में बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन को लेके बहुत ज्यादा है बहुत he works very hard and he's is he good actor he's a very good actor I think he's a fantastic actor no I'm he getting just needs to I be think a, I think I'm getting there okay आज जैसे आपने पहले कहा था कि आपके कपड़े पहनाए जाते थे फ्रॉक तो मेरे पास एक पिक मैंने अभी देखा हूं नेट पे मतलब इक्वली सेम ही लग रहे हैं आप दोनों जब मुझे फ्रॉक पहनाया जाता था बहुत रोता था उल्टा मुझे घर से बाहर भेज देते थे क्योंकि मैं बोलती थी कि मेरे फ्रॉक इसको क्यों पहनाया बट ही यूज्ड टू इंसिस्ट कि मैं तो फ्रॉक पहन के ही बैठूंगा बहुत आराम लगता था एक और ठीक है इसमें लाइक बर्थडे पार्टी चल रही है बर्थडे ओह माय गॉड दिस इज आवर हाउस इन कलकत्ता या ही हैड बनी रैबिट टीथ ओके मिल्क टीथ थे तो गिर गए बट थैंक गॉड अच्छा मिल्क टीथ गिरते नहीं है लोगों के नहीं बट बच गया ना मिल्क टीथ गिर गए बहुत ही गिरा हुआ है रक्षाबंधन पे बोलते हैं ना कि मैं अपने बहन की रक्षा करूंगा तो आज के टाइम पे तो बहन अपनी रक्षा भी कर सकती है और भाई की भी रक्षा कर रही है ऐसा हो आजकल तो मतलब भाइयों को आई थिंक ऑन अ सीरियस नोट लड़कियां बहुत आगे निकल बहुत आगे हाँ लड़के उधर ही रह गए लड़कियां बहुत आगे निकल गई आप कितना ख्याल रखती हैं जेके इनसे पूछे बहुत कुछ ज़्यादा ही बट आई रियली फील लाइक हिज मदर लाइक आई फील लाइक यू नो कॉन्स्टेंटली जब तक इसकी शादी नहीं हुई इट्स लाइक ऑलवेज स्मॉल स्मॉल थिंग्स आई थिंक एवरी एल्डर सिस्टर फील्स लाइक दैट दे आल्सो सपोर्ट यू लाइक दे हैव सीन इन द एनएससीआई जहां मुझे मेरे घर पे डेली मेरे घर पे डेली यही चलता है कि तुम शादी कभी करोगे ओके क्योंकि हम बहुत यू नो माई पेरेंट्स आर स्टिल वेरी सिंपल एंड यू नो वो कि ये पे होना चाहिए कि टाइम पे शादी कर लो टाइम पे ये तो मैं इनको कहता हूँ कि जब सलमान भाई की शादी हो जाएगी मैं शादी कर लूँगा तो आप पोस्ट करती हैं कि शादी कर लो शादी हम दिखाते हैं लड़कियाँ लेकिन ही इज नॉट रियली फाउंड एनीवन व्हिच इज ऑफ हिज चॉइस तो क्या कहना चाहेंगे इको फ्रेंडली जाते आते अपने व्यूअर्स को राखी के बाद जो आपने इन्वेंट की नई सोच है जो आपकी सोच यही है कि इको फ्रेंडली राखी इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव एंड मुझे सडनली दिमाग में आया कि जब मुझे इको फ्रेंडली लड़की मिलेगी मैं तब शादी करूँगा शादी नहीं करने वाला इससे ये सब सुन के इको फ्रेंडली रियल नॉट फेक वैलेंटाइन डे पे भी ऐसा होना चाहिए पेड़ उगा रहे हैं इको फ्रेंडली मीट माय इको फ्रेंडली गर्लफ्रेंड नो बट ऑन अ सीरियस नोट आई थिंक ट्रेडिशंस लाइक सीड्स शुड कीप इवॉल्विंग टू बी यूजफुल सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू इवॉल्व लाइक दैट एंड आई थिंक yes it's important to protect your family your sister but it's also very important to protect mother nature so with these rakhis you can do both at the same time so that is something that I totally believe in I don't know why he's laughing but that is really truly what we believe in thank you so much thank you so much